हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईएमटी यूनिवर्सिटी की जो कि मेरिट बेस्ड है सो so, इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए थे फॉर पीएचडी एडमिशन तो लास्ट डेट इसकी कल है दर इज़ ट्वेंटी जून 2021 तो इन केस आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो कोई अप्लाई करना चाहता हो तो आप कर सकते हैं राइट right? तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे देखिए सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विज़िट करना है विच इज़ आई आई एम टी यू डॉट कॉम एंड उसके बाद आपको ये पी एच डी सेल या पी एच डी इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन करना है ये है प्रॉपर लिंक तो आपको ये लिंक या यू आर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चेक कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन है सो एडमिशन टू पी एच डी प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स स्कूल्स ये गिवन है यहाँ पर तो इसी की बात करते हैं देखिए सबसे पहले स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स केमिस्ट्री स्टैट्स एंड मैथ्स है उसके बाद है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें जुलॉजी बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी देन माइक्रोबायोलॉजी और बायो है देन नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसमें फार्मास्यूटिकल साइंसेज है देन उसके बाद है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो स्कूल का नियम आप देख लीजिए हम डायरेक्टली डिसप्लिनस की बात करेंगे सो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात हमने की देन है कंप्यूटर साइंस उसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैन एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन एज वेल नेक्स्ट है साइकोलॉजी इंग्लिश इकनॉमिक्स हिस्ट्री एंड हिंदी ये सब्जेक्ट्स हैं एच एस एस के एंड द लास्ट इज़ लॉ सो पी एच डी इन सारे डिसिप्लिन में अवेलेबल है ठीक है उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो मास्टर्स डिग्री या कोई प्रोफेशनल डिग्री हो जो उसके इक्वेलेंट हो आपके कंसर्न सब्जेक्ट में या कोई अलाइड इंटर सब्जेक्ट में जो कि इक्वलेंट हो और अप्रोप्रिएट हो उसके बाद मार्क्स आपके मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट होने चाहिए या यू जी सी सेवन पॉइंट स्केल में आपका ग्रेड भी होना चाहिए ओके okay? देन बाकी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा फाइव परसेंट रिलैक्सेशन है फॉर रिजर्व कैटेगरीज दैट इज़ ए सी एस टी एंड ओ बी सीज राइट देन उसके बाद नेक्स्ट नोट में लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट जो कि फाइनल सेमेस्टर में हैं अपने क्वालिफाइंग एग्जाम में मास्टर्स में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शन के टाइम या इनफैक्ट इंटरव्यू in के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूर शो करने होंगे देन एग्जाम कौन कौन है एंट्रेंस टेस्ट से दैट इज जो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन्होंने भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे यू जी सी सी एस आई आर नेट इंक्लूडिंग जे आर एफ क्वालिफाई किया है स्लेट डी बी टी जे आर एफ आई सी एम आर जे आर एफ दैन डी एस टी इंस्पायर जी पैट गेट या इक्वल तो ये जितने भी वैलिड फेलोज हैं आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं उसके बाद है कैंडिडेट uh, जो जो इनमें से किसी एग्जाम में अपीयर हुए बट अभी रिजल्ट अवेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं बट अगर उनका हो जाएगा सलेक्शन तभी उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा देन नेक्स्ट कैंडिडेट जिन्होंने एम फिल फिफ्टी फाइव परसेंट मिनिमम मार्क्स के साथ आपने पास किया हो क्वालिफाई किया हो तो फिर आप अपीयर कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरव्यू में देन एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी पार्ट टाइम सो पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही तरह के कोर्सेज़ हैं पार्ट टाइम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसे देख लीजिएगा देन नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस सो एंट्रेंस होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा एंट्रेंस एम बेस्ड होगा दैन कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडर गो एन एंट्रेंस टेस्ट जिसमें दो सेक्शंस होंगे फर्स्ट इज रिसर्च मैथडोलॉजी फिफ्टी मार्क्स का दैन सेक्शन टू होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि सलेबस जो है इसमें गिवन भी है वैसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सलेबस होता है वही होगा फिफ्टी मार्क्स अगेन सो टोटल हंड्रेड मार्क्स का आपका पेपर होगा दैन द क्वेश्चन पेपर विल कंटे इन हंड्रेड अभी मैंने बताया एम सी क्यू बेस्ड है सिलेबस अभी हम देख लेंगे लाइक like आपको दिखा दूँगी कि आप कहाँ से उसे देख सकते हैं दो आज का टेस्ट होगा फिफ्टी परसेंट मार्क्स होंगे कट ऑफ उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इसी तरह की वाई इंटरव्यू इंटरव्यू सारी बातें लिखी हुई हैं उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसको देखते हैं सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट ये आप अप्लाई करें तभी इम्पॉर्टेंट है ठीक है फिर जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अपनी जो भी हार्ड कॉपी ऑनलाइन सबमिशन की फी रिसिप्ट इवन वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑरिजिनल जो वो सारे सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स अब आपको इंटरव्यू के टाइम पर ले जाना होगा तो आप प्लीज़ अपने पास सेव करके हार्ड कॉपीज़ इनफैक्ट इफ़ पॉसिबल प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा अप्लाई कैसे करना है सो so, ये स्टेप्स हैं सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फ़िल करनी है देन स्टेप टू में यू हैव टू फिल यू हैव टू पे द फी ओके जो कि ऑनलाइन ही होगा स्टेप थ्री है कन्फर्मेशन देन स्टेप फोर है कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉम सेंड टू द यूनिवर्सिटी विद फोटो कापी तो आपको भेजने हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉम सो क्लिक है ऊपर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं उसके बाद है पी एच डी एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर एडिट करना हो तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है टू द हेड पी एच डी सेल मेरठ ये है एड्रेस इस यूनिवर्सिटी का कैंपस का फ़ी कैसे डिपॉजिट करनी है सो फिफ्टीन हंड्रेड है आपकी एप्लीकेशन फ़ी नेट बैंकिंग के थ्रू इन अकाउंट्स में आप दे सकते हैं या पे टी एम कर ओके सो बैंक ड्राफ्ट ओके पेटीएम कर सकते हैं बट बैंक ड्राफ्ट या और कोई मोड एक्सेप्टेबल नहीं है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स में ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल को फॉर्म आया था एंड द लास्ट डेट इज़ ट्वेंटी जून देन एंट्रेंस एग्जाम आपका ट्वेंटी सिक्स ऑफ जून सैटरडे को होगा अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है जो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो पहले लिखा हुआ था कि यू हैव टू सेंड दी कॉपीज अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम सबमिट करनी होगी सो so, यस yes, थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगेन देन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके जो सेंटर है वो कोर्ट तो एक ही जगह है दाराज का कैंपस वहीं पर होगा सो वहीं कोर्ट लिखा हुआ है देन यहाँ अगेन कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि अप्लीकेंट्स के लिए है सो इन केस अगेन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा सीट सौ सब्जेक्ट्स नहीं गिवन है सॉरी आई मीन सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं वो नहीं गिवन है देन यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं तो आप ट्राई कर लीजिएगा किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो पहले कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा ई मेल भी कर दीजिएगा आई होप कि आपको रिप्लाई मिलेगा देन सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर ये डाउनलोड हो रहा होगा तो ठीक है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे सो so येस yes, ये था आज का वीडियो एंड ये थी आज की इंफॉर्मेशन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर लीजिएगा बिकॉज कल ही लास्ट डेट है एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग